सन की तानाशाह यानी कि नॉर्थ कोरिया का राजा किम जोंग, इसके बारे में, इसके फैमिली के बारे में और इसके सन के दिमाग के बारे में पूरी दुनिया जानती है। कैसे राज करता है, कैसे अपने ही लोगों को परेशान करता है, ये कारनामे इसके वर्ल्ड फेमस है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के बारे में और उस देश के कुछ ऐसे अजीबोगरीब रूल्स और डिसीजंस के बारे में कोई नहीं जानता, जो सिर्फ आपको नॉर्थ कोरिया में ही देखने को मिलेंगे। तो आओ जानते हैं कुछ फैक्ट्स। पूरी दुनिया में हम सदियों से एक ही कैलेंडर यूज करते आ रहे हैं, जिसे ग्रेगरियन कैलेंडर कहते हैं। भले ही हम सबके लिए ये 21वीं सदी चल रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए ये 106 जूच ईयर यानी कि 106 साल चल रहा है। वहाँ के लोगों का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू हुआ। इस दिन नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम टू संग का जन्म हुआ था। नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए टीवी होना ना होना एक ही है। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में टीवी एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन यहाँ के लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ टीवी तो है लेकिन चलते हैं सिर्फ 3 चैनल्स, वो भी कंप्लीट गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अगर थोड़ी देर के लिए भी लाइट चली जाती है तो लोगों को गुस्सा आता है, अनोइंग फील होता है। तो बस आप सोचिए, पूरा नॉर्थ कोरिया हर रात अंधेरे में गुजारता है, उन्हें कैसा लगता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ इतनी पावर जनरेट नहीं होती कि हर घर में बिजली पहुँच सके। ये भी दुनिया को तब पता चला जब नॉर्थ कोरिया की स्पेस में से ली गई फोटो इंटरनेट पर वायरल हुई थी। नॉर्थ कोरिया के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ में डेस्क और बैठने के लिए चेयर्स भी ले जाना पड़ता है। यही नहीं तो कुछ बच्चों को गवर्नमेंट ने दिए हुए टास्क भी कंप्लीट करने पड़ते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए ये रूल सबसे खतरनाक और डरा देने वाला है। अगर कोई एक आदमी क्राइम करता है तो उसका खामियाजा पूरा खानदान भुगतता है। दादा दादी, माँ बाप और बच्चे सबको जेल में डाल दिया जाता है। एक की गलती 3 पीढ़ी पर भारी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया के पूर्व लीडर किम जोंग टू, इनकी डेड बॉडी आज तक संभाल कर रखी गई है। ये बॉडी ग्लास टॉम में रखी गई है और वहां पर जाने वाले टूरिस्ट उसे देख भी सकते हैं। ब्लू जींस नॉर्थ कोरिया में बैन की गई है। वहां कोई भी ब्लू जींस नहीं पहन सकता, क्योंकि ऐसा करने से वहां के लोगों को लगता है कि वो अमेरिका को कॉपी कर रहे हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के आदमियों के लिए 28 टाइप के हेयर स्टाइल गवर्नमेंट ने फिक्स किए। उसके अलावा कोई भी दूसरी तरह के हेयर स्टाइल आप नहीं रख सकते। वही अनमैरिड लेडी अपने बाल शादी होने तक शॉर्ट ही रख सकती है, उसे बढ़ा नहीं सकती। शादी के बाद जैसा चाहे वैसा हेयर स्टाइल रख सकती है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के रूल हर देश में सेम होते हैं, राइट? लेकिन नॉर्थ कोरिया ऐसा इकलौता देश है जहां वो अपने स्पोर्ट्स के अलग ही रूल्स बनाता है। नॉर्थ कोरिया हर जगह खर्चे में समझौता कर सकता है, लेकिन मिलिट्री पर नहीं। उनकी इकोनॉमी कितनी ही क्यों ना नीचे गिरे, वो अपने मिलिट्री पर अच्छा खासा खर्चा करते हैं। हर साल अपने GDP से 20% सिर्फ मिलिट्री पर खर्चा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और इसे बहुत सारे वीडियो चैनल पर आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।